जिला प्रशासन पटना के द्वारा सभी निजी विद्यालयों के साथ बैठक की गई थी और उसमें निजी विद्यालयों के साथ बैठक के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि सभी निजी विद्यालयों में जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत आच्छादित हैं वहाँ 25% वंचित वर्ग के बच्चों का एडमिशन होना है। उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया और इसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को और ICDS के पदाधिकारियों को लगाया गया है। जो बच्चे ऐसे निजी विद्यालयों में RTE के तहत जो 25% की सीटें हैं उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे पास एक ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम है SCHOOGLINK, तो आवेदन वहाँ भर सकते हैं। आवेदन को ऑनलाइन ही जमा किए जाएं और साथ में विद्यालयों के लिए भी ये सुविधा दी गई है, मोबाइल के माध्यम से ऐसे आवेदन पत्रों को प्राप्त किया जाएगा और ऐसे विद्यालय जो अपना एडमिशन के बारे में सीट डिक्लेयर करेंगे उसको उसमें एंट्री करेंगे। जिला प्रशासन ने एक तिथि तय की है 16 अप्रैल 2018, जिस तिथि तक आवेदन ऐसे प्राप्त किए जाएंगे और इन सभी की लॉटरी उस सीट्स की वेरिफिकेशन के पश्चात और सभी ऐसे विद्यालयों के साथ बैठक के पश्चात 23 तारीख को एक साथ की जाएगी। कई सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो मेधावी होते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण आसपास के नेबरहुड के निजी विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए विशेष ये अभियान चलाया जा रहा है। इस जिला प्रशासन की इस अभियान को, इस मुहिम को आप सफल बनाएं और इसमें सभी का सहयोग करें। पटना में लगभग 1500 से भी अधिक निजी विद्यालय के द्वारा आवेदन दिया गया है रिकॉग्निशन के लिए, तो उन लोगों के साथ जो है जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक की गई थी। अब बैठक में सभी विद्यालयों द्वारा एक सुर से सहमति व्यक्त की गई कि इस बार RTE के सीट को भरने का जो पोषक क्षेत्र होगा, जो नज़दीक का विद्यालय है, उसमें नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। हमारे आंगनवाड़ी में जो बच्चे 6 साल एजुकेशन पूरी कर लेते हैं उनके बाद हमें उन्हें कैसे स्कूल में एडमिशन कराना है, इस प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत होता था। अब ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद हम जो ऐसे वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनका हम एडमिशन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी जितनी भी पटना जिला में हम लोग सब CDPO हैं, हम अपना पूरा पूर्ण एफर्ट देंगे क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम गरीब वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। 25% एडमिशन लेने की बात है, हर साल हम लोग प्रयास करते हैं बहुत जोर शोर से और उतना वर्क फोर्स हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग एक एक विद्यालय में जा कर के देखें कि आपके यहाँ कितना एप्लीकेशन आया, उसको एप्लीकेशन को किस तरह से, कब आप एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका लॉटरी आप किस तरह से निकाल रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का और प्रचार प्रसार करने का ये सब जो हम लोग सिस्टमेटिक वे है, इससे सभी को बहुत फ़ायदा होगा, गार्जियन को भी बहुत फ़ायदा होगा, बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। निर्धारित समय के अंदर फॉर्म भरेंगे और वो लोग अपना बच्चों का एडमिशन करवाने में सक्षम होंगे। हम लोगों ने अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से लोगों को जोड़ा, वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई किए, उनको ट्रेन किया और अब उन वॉलंटियर्स के साथ हम कैंपेन कर रहे हैं। इस नामांकन की प्रक्रिया के बाद में बच्चों और पेरेंट्स जो हैं उनका एक्सपीरियंसेस क्या होता है उसके ऊपर भी में भी फॉलोअप का कार्यक्रम चलेगा, जिससे कि हम ये देख सकें कि रिटेंशन रेट जो है वो अच्छा बना रहे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बनके तारे।